थाईलैंड में आके ना सच्ची में एक मसाज भी नहीं। किशन भाई आप तो किशन भगवान निकले मेरे। अच्छा लगा किशन भाई से मिलके, पहुंच गए हिमाचल के पहाड़ियों में। गाइस गुड मॉर्निंग, सो वेलकम टू द नेक्स्ट व्लॉग। गाइस इस बार का ना थाईलैंड ट्रिप हो गया कंप्लीट खत्म, बहुत ज्यादा एंजॉय किया, बहुत ज्यादा मस्ती किया। लेकिन गाइस सब लोग बोल रहे थे मसाज मसाज ब्लॉग मसाज, लेकिन गाइस मैंने थाईलैंड में आके ना सच्ची में एक मसाज भी नहीं किया। थाईलैंड में बहुत सारे मसाज सेंटर है, मैं सोच रहा था करूंगा लेकिन टाइमिंग ही ऐसा हुआ, पता नहीं क्या हुआ, मसाज करने का मौका ही नहीं मिला। शायद नेक्स्ट बार आना पड़ेगा फिर से मसाज करने के लिए, तो देखते हैं। लेकिन गाइस ओवरऑल इट वाज रियली रियली नाइस, आई रियली एंजॉयड। लेकिन थोड़ा सा गर्मी है, तो चलो अभी बैक टू इंडिया। आज हम पहुंच जाएंगे दिल्ली। बाय बाय बैंकॉक, बाय बाय थाईलैंड, सी यू नेक्स्ट टाइम। गाइस मिलते हैं आप लोगों को एयरपोर्ट पे। सो गाइस अभी फाइनली हम पहुंच गए एयरपोर्ट। देखो बहुत ही खूबसूरत मूर्ति लगा हुआ है। पहले अपना चेक इन कर लेते हैं, बोर्डिंग पास वगैरह सब कुछ कर लेते हैं, मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर के बाद में। एंड गाइस आपका भाई देखो कितना काला हो गया है, थाईलैंड में आइलैंड में बीच में धूप में गर्मी में घूम के सी फूड खा के काला काला हो गया पूरा। पहले भी काला था और अब तो और ज़्यादा काला हो गया है। चलो अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं हमने गाइस सुबह सुबह जल्दी जल्दी, मैंने कुछ नहीं खा गया था, कुछ हो गया, बोर्डिंग पास भी मिल गया, सब क्लियरेशन इमिग्रेशन सिमिग्रेशन सब हो गया। एंड आई एम जस्ट हैविंग माय फूड नाउ। सो गाइस फाइनली अभी प्लेन बोर्ड कर चुका हूँ एंड अभी कितना हो गया टाइम, ऑलमोस्ट 3 बज गए हैं, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थाईलैंड में। चलो गाइस अभी उड़ान भरने वाले हैं, मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर के बाद में, शायद दिल्ली में मिलेंगे। हेलो गाइस मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर में। मॉर्निंग गाइस, सो अभी मैं दिल्ली में हूँ और आप लोग को पता है कल ना मतलब एयरपोर्ट में आते फिर सामान वान इधर उधर करना, फिर बहुत ज़्यादा टाइट भी हो गया था, ऐसे मैंने रेस्ट किया और अभी मैं निकल रहा हूँ थोड़ा बहुत वहाँ पर एम्बियंस मॉल में जाना है, कुछ कुछ सामान खरीदना है। एंड गाइस अभी प्लान क्या है कि मैं डायरेक्ट घर नहीं जा रहा हूँ, यहाँ से ना दिल्ली से मुझे निकलना है हिमाचल, और हिमाचल में मैंने जब मैं लद्दाख राइड किया था उस टाइम मैंने कुछ सामान वहाँ पर छोड़ा था और कुछ कुछ लोगों से मिलना भी है, स्पेशल लोगों से, तो शायद ब्लॉग में आएंगे नहीं वो तो पता नहीं। लेकिन कल हम निकल रहे हैं हिमाचल की ओर, तो चलो कहाँ पर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं और क्या क्या होने वाला है वहाँ पर वो आप लोगों को ब्लॉग में पता चल जाएगा। तो चलो अभी मिल गया आप लोगों को थोड़ी देर के बाद में। पहुँच गए मॉल, लेकिन यहाँ पर ना गाइस बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, थाईलैंड में भी गर्मी, इंडिया में भी गर्मी, हर तरह हर जगह गर्मी गर्मी। वीडियो का ना। तो चलो गाइस अभी छोटा सा हेयर कट हो गया है, हमारा सोनू भाई है ना, सोनू या मोनू, सोनू भाई ने कर दिया बहुत हैंडसम मुझे, थैंक यू भाई। क्या है ये उसका नाम, लग्जरी सैलून। ओ भाई लग्जरी सैलून में आ गए मैं तो। लग रहा सोनू भाई बढ़िया, एक हल्का सा फोटो ले लो। So, चलो गाइस फाइनली हेयर कट हो गया, लुकिंग हैंडसम, चलो अभी मॉल में जाके कुछ शॉपिंग करते हैं। सोनू भाई, हे गाइस गुड मॉर्निंग अगेन, एंड एक्चुअली दिस इज द नेक्स्ट डे, तो गाइस व्लॉग में नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे आ रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है, जब से थाईलैंड से आया ना बहुत ज्यादा टायर्ड भी फील कर रहा हूँ। एंड गाइस थाईलैंड ट्रिप के बारे में अगर बताऊँ तो इट वॉज रियली रियली ग्रेट, मतलब एक्सपीरियंस अच्छा था। एंड मतलब सब लोग बोल रहे हैं कि थाईलैंड सस्ता है सस्ता है सस्ता है, लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसे भी जहाँ पर महंगे है, तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे स्टे कर रहे हो, कैसे ट्रैवल कर रहे हो, किस तरीके से घूम रहे हो। अगर आप एक्सपेंसिव तरीके से घूमेंगे तो एक्सपेंसिव भी है, अगर आप सस्ते तरीके से घूमना चाहेंगे तो सस्ता भी है। तो थाईलैंड के मैं तो ज़्यादा, आप लोगों को पता है मैं ज़्यादा ना मतलब डिटेल्स में वो नहीं करता हूँ व्लॉगिंग, जैसे कि कॉस्ट वगैरह, होटल का कॉस्ट, खाना का कॉस्ट, आई जस्ट शो माई एक्सपीरियंस, मतलब वहाँ जाके मैंने क्या फील किया, कैसे एक्सपीरियंस किया, क्या क्या किया, वही दिखाता हूँ। एंड होप कि आप लोगों को थाईलैंड का पूरा सीरीज पसंद आया होगा। एंड गाइस आप लोगों को पता है फिलहाल मैं जा रहा हूँ हिमाचल, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि कल आज मैं हिमाचल जा रहा हूँ, तो हिमाचल में क्या क्या करेंगे वो तो आप लोगों को ब्लॉग में पता चल ही जाएंगे। अभी हम पहुँच गए, अभी हम कहाँ पहुँच गए भैया जी, अभी हम पहुँच गए सर मोहाली। मोहाली
तो गाइज अभी हम पहुंच गए मोहाली एंड गाइज ऑन द वे मतलब दो गाड़ी चेंज मतलब ये सेकंड कैब है, पहला था हमारे वहां तक कहां तक चंडीगढ़ इजरकपुर वो कहां पड़ता है ये पंजाब में हाँ पंजाब में पड़ते, तो वहां पर ब्रेक था तो अभी सेकंड कैब लेके हम डायरेक्ट हिमाचल पहुंचने वाले हैं। एंड गाइज ये रूट ना मुझे मतलब वो दिन याद आ रहा है जब मैंने लद्दाख राइड किया था सोलो राइड। एंड गाइज बाइक में इतने गर्मी में मैंने कैसे राइड किया होगा, अभी ऐसा देख रहा हूँ ना मतलब बाकी के बाइकर्स को देख रहा हूँ फिर रोड को देख रहा हूँ मतलब हाँ कुछ किया था मैंने मतलब स्ट्रगल याद आ रहे वो दिन, मतलब मजा तो आया था बहुत ज्यादा मजा आया था उस राइड में। तो चलो अभी हम ऐसे जा रहे हैं ना, अभी देखो गाइस ट्रैफिक में फंसे हुए हैं ट्रैफिक जैम है ना गाइस। पिछली बार आप लोगों को पता है ना रूपनगर में हमारे किशन भाई ने हेल्प किया था, तो मैं सोच रहा हूँ कि ऑन द वे मैं किशन भाई के साथ मुलाकात करूँ। तो चलो देखते हैं, अगर किशन भाई को मैंने फ़ोन तो किया फ़ोन नहीं उठा रहे, मैसेज छोड़ा हूँ और वहाँ पर दुकान में स्टॉप करूँगा, अगर है तो मिलेंगे नहीं है तो फिर देखेंगे क्या होगा। गाइस देखो अभी अपना काम भी चालू है, थोड़ा बहुत एडिटिंग तो करना ही पड़ेगा। हमारे यहाँ मोहाली का गुरुद्वारा साहब है गाइस, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है एंड भैया जी ने यहाँ पर मुझे फैन लगा दिया, देखो ठंडी ठंडी हवा। चलो गाइस आप लोगों को पता है मैं कहाँ हूँ, मैं अभी रूपनगर में जहाँ पर मेरा रूप खराब हो गया था एंड ये वाले ढाबे को पहचानते होंगे एंड ये वाला दुकान हमारे किशन भाई किशन जी है कि नहीं देखना पड़ेगा। यहाँ पर बैठ के मैंने अपना मलम पट्टी किया था किशन भाई के हेल्प की वजह से, रूपनगर में मेरा रूप उतर गया लेकिन हमें किशन भाई मिल गया। चलो थैंक यू भाई, किशन भाई कहाँ से मिल गया, मसाज कर रहे मेरा अपना सच में यार, आराम से करना भाई, अब बाइक राइड करके जाना है ऐसे। किशन भाई आप तो किशन भगवान निकले मेरे लिए सच में यार, मेरे भाई है फिर मिलेंगे हम लद्दाख से आने के बाद जरूर मिलेंगे है ना। हेलो जी, हेलो भाई, भाई साहब किशन भाई है हाँ कैसा ना सो रहे हिमाचल तो गाड़ी लेके आया बाइक लेके नहीं आया। सो गाइस ये देखो फिर से हो गया किशन और दर्शन का मुलाकात, और भाई बंदे सो रहे थे यहाँ पर, सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए। कैसे हो गाइस? देखो किशन भाई और जवान हो गए, पहले तो दाढ़ी वाड़ी रखे था अभी तो दाढ़ी वाड़ी काट के चिकना हो गए चिकना। शादी किया क्या? अरे नहीं शादी किया तो हाँ आदम सो गाइस फाइनली किशन और दर्शन का मुलाकात, फिर से चाय हो रहा है एंड पिछली बार ना रूपनगर में मेरा रूप निकल गया था इसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया था एंड अभी फिलहाल थाईलैंड की उड़ करके आया हूँ एंड मुझे पता है लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं थाईलैंड से आए छोटा सा गिफ्ट तो देना चाहिए, ये देना चाहिए मतलब वो करना चाहिए, मतलब जो भी किया मैंने दिल से किया है वैसे गाइस मैं दिखाता नहीं हूँ एंड जो है भाई लोग समझते हैं एंड जिन जिन लोगों मैंने हेल्प किया है वो लोग भी समझते हैं कि मैं कभी दिखाता नहीं हूँ ज़्यादा, तो है ना तो भाई बनती में ऐसा मतलब दिखाना वखाना नहीं चलता, अपना प्यार प्रेम अच्छा है प्रेम अच्छा। चलो चीयर्स, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। एक्चुअली ना मैं इस रास्ते से आया सिर्फ किशन भाई को मिलने के लिए, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। सो गाइस अभी ना एक्चुअली मैं ये रास्ते आया मैं सिर्फ किशन भाई को मिलने के लिए मैं आया, तो मैं तो सोच रहा हूँ फोन नहीं उठा रहे वो नहीं रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे इसलिए पूरा इंस्टाग्राम डिलीट किया था इसलिए, तो भाई अभी पहलवानी कर रहे हैं बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं कुश्ती खेल रहे हैं भाई, तो चलो एक दिन आएंगे हम कुश्ती करने। आपका गाँव घूमना है? हरियाणा करनाल कहीं पर दिया, हरियाणा घूमना है हरियाणा। अच्छा लगा किशन भाई से मिलके और फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखना ठीक है। दुकान है भाई का और ये ढाबा में आया था गाइस, ये ढाबा याद रखना रॉयल ढाबा, इसके ये हवेली है ना, हवेली भी है। चलो मिलते हैं। चलो अभी किशन भाई से मिलके भी बहुत ही अच्छा लगा, अभी हम पहुंच गए हैं हिमाचल, एंटर कर चुके हैं, वेलकम टू हिमाचल। कौन सा लेके ये अभी देखो देखते देखते हम पहुंच गए हिमाचल के पहाड़ों में एंड गाइस अभी ऐसा लग रहा है कि मैं दार्जिलिंग पहुंच गया,
ये देखो पूरा पहाड़, नीचे देखो पहाड़ी पहाड़। गाइस अभी फाइनली हम पहुंच गए हिमाचल के पहाड़ियों में। एंड गाइस आप लोगों को पता नहीं कि मैं कहां पहुंच गया हूं। जस्ट ये सीन चेक करो, इट्स जस्ट मतलब ये तो सेम दार्जिलिंग जैसा ही है गाइस, एकदम दार्जिलिंग ए टू जेड। तो चलो गाइस अभी मतलब हिमाचल के कौन से जगह में है, कहां पर है, आप लोगों को पता चल जाएगा नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड गाइस बहुत अमेजिंग है, देखो गाइस सीधा थाईलैंड से हम यहाँ पहुँच गए पहाड़ियों में। चलो मजा आया। ये चेक करो गाइस, सेम है ना दार्जिलिंग जैसा ही वाइब्स, लेकिन ये है हिमाचल। तो चलो गाइस एक्चुअली मैं रूम ढूंढ रहा था ना, तो इधर उधर जाके बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, अभी रूम में जाके चाय वाय पियेंगे एंड व्लॉग भी वहीं पर एंड करेंगे। चलो रूम से आप लोगों को व्यू दिखाऊंगा। ये है अपना रूम और हिमाचल के कौन सी जगह में, एक्चुअली हिमाचल के ना वन ऑफ द होली प्लेस में से है। एंड आप लोग को यहाँ से मैं व्यू दिखाऊंगा, शायद अगर आप लोग पहचान गए तो पहचान गए, नहीं तो आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में पता चल जाएगा। ये देखो गाइस ये कौन सी जगह है, हिमाचल वाले तो पहचान जाएंगे शायद, और अगर आप लोग यहाँ पर पहले आए तो पहचान जाएंगे। ये देखो कमेंट करके बताना कि मैं अभी कौन से वाले जगह में हूँ, और नेक्स्ट ब्लॉग में पूरा यहाँ पर टूर करेंगे एंड किस लिए आए आप लोग को बताऊँगा। चलो गाइस बहुत ज़्यादा थक गए, अभी चाय वाय पी के रिलैक्स करते हैं। ये है, हम मैंने चाय ऑर्डर किया था ना, और यहाँ के भैया ने बोला कि ये टिबेटन चाय है, तो इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन हे मस्त थकान में तैयार है। चलो गाइस आज का ब्लॉग यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। सी यू द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय, टाटा।